हुआ है और ये सरकार में जब कोई भी परीक्षा होती है प्रश्न पत्र लेना होता है और ये सरकार की संलिप्तता इसमें है, इसकी जांच हम सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं और ये सरकार अपने आदमियों को बहाली करने के लिए हमेशा प्रश्न पत्र लीक करने का काम कर रही है। इसी तरह से हमारा कार्य स्थगन है, कार्य स्थगन आपको बताएं कि दरोगा अभ्यर्थी साल 2019 में बहाली की हुई परीक्षा को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने परीक्षा तो ली लेकिन परीक्षा होने से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया, उसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दफ्तर में भी ज्ञापन सौंपा है। उसके अलावा चिराग पासवान और तमाम विपक्षी पार्टियों से भी मुलाकात कर चुके हैं, मांग कर रहे हैं कि जो सीबीआई है उससे इस पूरे मामले की जाँच करवाई जाए और साथ ही जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, परीक्षा को रद्द किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर कि आज बिहार विधानसभा के बाहर में जो विपक्ष है उसने सरकार के खिलाफ जम के हल्ला बोला है। छोड़ जाते हैं आपको विपक्ष के हंगामे के वीडियो के साथ जिसमें दरोगा अभ्यर्थी का मामला मुख्य मुद्दा था।